वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर ऑन चैनल माइनिंग सपोर्ट। इसमें हम हॉलेज ट्रैक्स और ट्रैवलिंग अप्लायंसेस जितना भी है सेफ्टी अप्लायंसेस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और चूंकि इसके पहले भी हम वीडियोस में चर्चा किए हुए हैं, ठीक है, हम डिस्कस किए हुए अच्छे से उसको बारीकी से एक दो बार वीडियो रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। एंडलेस हॉलेज से डायरेक्ट हॉलेज को हम बता चुके थे, डायरेक्ट हॉलेज कुछ हो चुका था और एंडलेस हॉलेज का भी कुछ हो चुका था, ठीक है, कुछ पार्ट। अब इसमें है क्या, एंडलेस हॉलेज आर ऑफ ओवर रॉप टाइप और अंडर रॉप टाइप। एंडलेस हॉलेज दो टाइप का होता है, एक ओवर रॉप टाइप और दूसरा अंडर रॉप टाइप। द लेटर बींग वेरी कॉमन इन ओवर रॉप टाइप हॉलेज रॉप्स पासिस ओवर द टब और सेट ऑफ अ टब एंड इन अंडर रॉप टाइप इट पासिस बीनेथ द टब और सेट ऑफ टब्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें से अंडर रॉप टाइप है, टेंशन बोगी ऑन रेल, ठीक है, टेंशन बोगी जो है नॉन रिवर्सिबल और रिवर्सिबल टाइप जो है देख लीजिए। फिर इसके बाद आता है लैसिंग चेन, ठीक है। लैसिंग चेन क्या होता है, तो लैसिंग चेन इज यूजुअली 2.5 मीटर लॉन्ग, अप्रॉक्स 2.5 मीटर लॉन्ग विथ ए हुक एट वन एंड, ठीक है। लैसिंग चेन 2.5 मीटर लॉन्ग होता है जिसमें से एक एंड पे हुक होता है, ठीक है। हुक इज अटैच टू द टब टब ड्रॉ बार, ठीक है। द हुक इज अटैच टू द टब ड्रॉ बार, अदर एंड ऑफ द चेन इज क्वाइल्ड 3 to 4 टाइम्स अराउंड द हॉलेज रॉप एंड द सेकेंड हुक इज लिंक टू द चेन, ओके। बोला जा रहा है वन हुक इज अटैच टू द टब ड्रॉ बार, टब के ड्रॉ बार से अटैच होता है क्या हुक, ठीक है। और अदर एंड ऑफ ए चेन इज क्वाइल्ड 3 to 4 टाइम्स अराउंड द हॉलेज रॉप, ठीक है। और 3 से 4 बार लैसिंग चेन को हम लोग हॉलेज रॉप से वाइंड करेंगे, ठीक है। एंड द सेकेंड हुक इज लिंक टू द चेन, और सेकेंड हुक जो है चेन के साथ लिंक्ड किया हुआ रहेगा, ठीक है। ऑन द अनड्यूलेटिंग रोड्स द चेन इज अटैच टू इन फ्रंट एंड द अनदर चेन बिहाइंड द सेट ऑफ टॉप, बट ऑन ए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट ओनली वन चेन इज नीडेड, ठीक है। बोल रहा है क्या, अनड्यूलेटिंग रोडवेज जैसे हो गया, मान के चलो उतार चढ़ाव उबड़ खाबड़ यदि रोडवेज यदि है तो वन चेन इज अटैच इन फ्रंट एंड अनदर चेन इज बिहाइंड, ठीक है। तो एक आगे और एक पीछे दो चेन रहेगा, लेकिन बोल रहा है कि बट ऑन ए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट ओनली वन चेन इज नीडेड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, जो लैसिंग चेन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, ये ओवर रॉप टाइप एंडलेस हॉलेज है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एंडलेस हॉलेज, बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड लेस वियर एंड टियर। एंडलेस हॉलेज में जो है कि स्लो स्पीड होता है इसलिए कम टूट फूट होता है, एक्सीडेंट फ्रॉम डीरेल्ड टब्स डू नॉट कॉज मच डैमेज ड्यू टू स्लो स्पीड, ठीक है। अब इस जो कि एंडलेस हॉलेज में एक्सीडेंट यदि होता भी है तो उसमें ज़्यादा मतलब नुकसान होने का खतरा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड कम होता है ना। अब आता है क्या, मैन एंड टेल हॉलेज, ठीक है। मैन एंड टेल हॉलेज क्या है और उसके बारे में क्या चीज़ हमको जानना जरूरी है, देखते हैं। इन दिस सिस्टम द हॉलेज इंजन इज प्रोवाइडेड विथ टू सेपरेट ड्रम्स, ठीक है। हॉलेज इंजन जो है कि बोल रहा है क्या, मैन एंड टेल हॉलेज में हमारा, इन दिस सिस्टम हॉलिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ टू सेपरेट ड्रम्स, ठीक है। हॉलिंग सिस्टम हमारा प्रोवाइड किया हुआ रहेगा दो सेपरेट ड्रम्स से, वन फॉर द मैन रॉप विच हॉल्स द फुल ट्रेन आउट एंड वन फॉर द टेल रॉप विच हॉल्स द एम्प्टी ट्रेन इन, ठीक है। मतलब एक बोल रहा है क्या, मैन एंड टेल हॉलेज में दो सेपरेट ड्रम होगा, वन फॉर द मैन रॉप, एक मैन रॉप को खींचेगा, है ना, वन फॉर द मैन रॉप विच हॉल्स द फुल ट्रेन आउट, एक फुल ट्रेन को बाहर खींचेगा, एंड वन फॉर द टेल रॉप विच हॉल्स द एम्प्टी ट्रेन इन, और अदर जो है कि एम्प्टी ट्रेन को अंदर की ओर खींचेगा, ठीक है। When one drum is in gear, the other revolves freely on the shaft, but controlled when necessary, but brake to keep the ropes taut. The main rope is approximately equal to the length of the plane, ठीक है, the main rope is approximately equal to the length of the plane and the tail rope twice the length, ठीक है। बोल रहा है मैन रॉप इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेन, मैन रॉप जो हमारा प्लेन के अकॉर्डिंग लंबाई रहेगा, लेकिन टेल रॉप जो है ट्वाइस दिस लेंथ, लेकिन टेल रॉप जो है दोगुना इस लेंथ का होगा, ठीक है। ओनली वन ट्रैक इज रिक्वायर्ड, मैन एंड टेल हॉलेज में ये बात ध्यान देना है कि केवल एक ट्रैक रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एंडलेस में क्या होता है, दो पैरेलल ट्रैक जरूरत होता है, ठीक है। यहाँ इसका डायग्राम आप देखना है, ठीक है, तो डायग्राम में क्या क्लियर हो रहा है कि ब्रेक पैडल है यहाँ पे,
मैन स्विच है, ठीक है, फ्लेक्सिबल कपलिंग है, उसके बाद क्या है, लीवर है, उसके बाद आता है टेल रॉप। टेल रॉप में एक टेल रॉप, एक मैन रॉप, ठीक है, एक टेल रॉप और एक मैन रॉप। ठीक, टेल रॉप क्या करता है, मतलब लोडेड टब को बाहर की ओर खींचता है, और एम्प्टी टब को मैन रॉप क्या करता है, अंदर की ओर खींचता है, वही ना कहा गया है। व्हेन द वन ड्रम इज गियर द अदर रिवॉल्व्स इन द कंट्रोल, ठीक है, टू सेटअप्स, टू ड्रम्स आर प्रोवाइडेड, मैन रॉप विच हॉज द फुल ट्रेन आउट, ठीक है, मैन रॉप क्या करता है, लोडेड टब्स को आउट की ओर खींचता है, एंड टेल रॉप विच हॉज द एम्प्टी ट्रेन, और टेल रॉप, सॉरी, टेल रॉप जो क्या करता है, एम्प्टी ट्रेन, खाली ट्रेन को अंदर की ओर खींचता है, और मैन रॉप लोडेड टब को बाहर की ओर खींचता है। ठीक है, इसमें केवल और केवल याद रखने की बात यह है कि इसमें जो है कि क्या जरूरत होता है, सिंगल ट्रैक जरूरत होता है। ठीक है, अब अगला रहा, दिस सिस्टम ऑफ हॉलेज सुटेबल फॉर अनड्यूलेटिंग रोडवेज वेयर इट इज इम्पॉसिबल और अनडिजायरेबल टू मेंटेन द डबल ट्रैक। ठीक है, मतलब ये अनड्यूलेटिंग रोडवेज में भी मेंटेन किया जा सकता है, और जहाँ पे डबल ट्रैक बिछाने का सिस्टम पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर भी मैन एंड टेल हॉलेज को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर एंडलेस रॉप हॉलेज। ठीक है, अब बोल रहा है जैसे कि एंडलेस हॉलेज में डबल पैरेलल ट्रैक होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, मैन एंड टेल हॉलेज में सिंगल ट्रैक की जरूरत होता है। इट इट कैन रेडियली नेगोशिएट कर्व एंड इट इज़ कन्वीनियंट फॉर वॉकिंग ब्रांचेस। ठीक है, मतलब ये कन्वीनियंट होता है ब्रांचेस में भी वर्क करने के लिए, मैंने इधर उधर ले जाने के लिए भी टब को आसानी से ले जा सकता है, और ये कर्व को नेगोशिएट करता है, कितना भी कर्वेचर क्यों ना हो वर्क कर लेता है। ठीक है, इट ऑपरेट्स एट फेयरली हाई स्पीड एंड विथ लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, ये काफ़ी हाई स्पीड से वर्क करता है विथ लॉन्ग ट्रेन, एंड इफ ए डिरेलमेंट अकर द रिजल्टिंग डैमेज एंड डिले आर लाइकली टू बी कंसिडरेबल, और यदि डिरेलमेंट यदि होता है तो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट और मतलब काफ़ी टाइम का लॉस भी होता है। ठीक है, अब आगे हम जो देखते हैं क्या, टेल रॉफ हॉलेज। ठीक है, टेल रॉफ हॉलेज क्या है, अ टेल रॉफ हॉलेज इज वन इन विच द हॉलेज इज सिचुएटेड एट द लोअर लेवल। ठीक है, टेल रॉफ हॉलेज जो है, टेल रॉफ हॉलेज डायरेक्ट हॉलेज का ही पार्ट है। ठीक है, टेल रॉफ हॉलेज इज वन इन विच हॉलेज इज सिचुएटेड एट लोअर लेवल एंड द एम्प्टीज आर होइस्टेड अप द स्लोपिंग ट्रैक। ठीक है, बोल रहा है टेल रॉफ हॉलेज जो ऐसा हॉलेज सिस्टम है जहाँ पे, बोल रहा है हॉलेज जो है लोअर लेवल पे सिचुएटेड होता है, एंड एम्प्टीज आर होइस्टेड अप द स्लोपिंग ट्रैक। ठीक है, और खाली को होइस्ट किया जाता है स्लोपिंग ट्रैक पे। ठीक है, आगे बढ़ाया जाता है, द हॉलेज रॉप पासिस टू द ट्रेन ऑफ एम्प्टी टब्स। ठीक है, द हॉलेज रॉप पासिस टू द ट्रेन, द हॉलेज रॉप पासिस टू द ट्रेन ऑफ एम्प्टी टब्स भाया ए डिफ्लेक्शन पुली। ठीक है, टेल रॉफ हॉलेज में डिफ्लेक्शन पुली होता है, ये बात रखना है। ठीक है, बोल रहा है कि हॉलेज रॉफ पासेज टू द ट्रेन ऑफ एम्प्टी टब्स भाया ए डिफ्लेक्शन पुली लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द रोडवेज। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन पुली क्या होता है, लोकेटेड क्या होता है, टॉप ऑफ द रोडवेज में डिफ्लेक्शन पुली होता है, तो डिफ्लेक्शन पुली किस में यूज होता है, ना टेल रॉफ हॉलेज में, स्क्वायर केज पुली किस में यूज होता है, एंडलेस हॉलेज में, ये सब बातें दिमाग में डाल लेना है। ठीक है, द लोड्स ट्रेवल बाई ग्रेविटी डाउन द ग्रेडियंट, लोड्स किस में, डाउन द ग्रेडियंट ट्रेवल करता है, बट एज द रॉप इज अटैच टू दैम द डिसेंट इज कंट्रोल्ड बाय द हॉलेज ड्राइवर। ठीक है, पूरा कि द लोड्स ट्रेवल बाय ग्रेविटी डाउन द ग्रेडियंट। ठीक है, लोड्स जो है कि अपने आप जो है कि अपने भार के चलते डाउन द ग्रेडियंट मूव करता है, बट एज द रॉप इज अटैच टू दैम, और जो कि रॉप जो है कि उसमें अटैच होता है, इसलिए ये डिसेंट मैंने इसका जो नीचे उतरना, देयर डिसेंट इज कंट्रोल्ड बाय द हॉलेज ड्राइवर। ठीक है, तो हॉलेज ड्राइवर के हाथ में ही रहता है कि किस हिसाब से उसको हमको मैंने टब्स को छोड़ना है। ठीक है, तो उसका सारा कंट्रोल हॉलेज ड्राइवर के पास होता है। ठीक है, अब बोलता है कि ग्रेविटी हॉलेज और सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन, ग्रेविटी हॉलेज के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज हॉलेज विदाउट एनी मोटर और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ पावर। ठीक है, तो कौन सा हॉलेज है जिसमें कोई पावर और सोर्स नहीं है, तो उसमें क्या है, ग्रेविटी हॉलेज, दिस इज अ हॉलेज विदाउट एनी मोटर और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर एंड कंजिस्ट ऑफ कास्ट आयरन पुली, और ये किस तरह का पुली कंजिस्ट करता है, कास्ट आयरन पुली। ठीक है, ग्रेविटी हॉलेज क्या करता है, कंजिस्ट ऑफ कास्ट आयरन पुली 1.3 मीटर टू 2 मीटर डायमीटर। ठीक है, 1.3 से 2 मीटर डाया का कास्ट आयरन पुली कौन करता है कंटेन, ग्रेविटी हॉलेज। ठीक है, हैविंग ए ब्रेक पाथ ऑन वन साइड एंड स्ट्रैप ब्रेक। ठीक है, और इसका ब्रेक पाथ वन साइड में होता है और स्ट्रैप ब्रेक भी होता है। ठीक है,
मैन एंड टेल हॉलेज में कौन सा पुली यूज होता था? डिफ्लेशन पुली, ठीक है, मैन एंड टेल हॉलेज में, सॉरी टेल रॉफ हॉलेज में डिफ्लेशन पुली यूज होता था, लेकिन ग्रेविटी हॉलेज में किस तरह का पुली यूज हो रहा है? आयरन कास्ट आयरन पुली, 1.3 मीटर से 2 मीटर डाया का, ठीक है, जिग पुली और ग्रेविटी हॉलेज इस तरह का होता है, अब फिगर में अब क्लियर करना है, ठीक है। ब्रेक स्ट्रैप इस तरह से होता है, ब्रेक स्ट्रैप, और चूंकि जिग पुली और ग्रेविटी हॉलेज, ठीक है, ये जिम क्रॉ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिम क्रॉ कोई भी ट्रैक को कर्वेचर देने के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द टॉप, इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन रोडवेज एंड इज इम्प्लॉयड एट लोअर बाई ग्रेविटी लोड्स अटैच टू वन एंड ऑफ द ट्र रॉफ वाइल साइमल्टेनियसली हॉइस्टिंग एम्प्टीज अटैच टू अनदर एंड ऑफ द रॉफ विच पासिस अराउंड द जिग पुली। ओके, द जिग पुली इज वर्टिकल, द जिग पुली इज वर्टिकल, ओनली सिंगल ट्रैक इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन, बट एट द मिड वे ऑफ द रोड वेयर द लोड्स एंड एम्प्टीज मीट डबल ट्रैक्स और एट द बाईपास इज इसेंशियल, ठीक है। मतलब ग्रेविटी हॉलेज के लिए सिंगल ट्रैक जरूरी होता है, लेकिन जहाँ पे लोड और एम्प्टीज एक दूसरे से क्रॉस करे वहाँ पे बाईपास का जरूरत होता है, ठीक है, ठीक है। द जिग पुली इज वर्टिकल, अब जिग पुली किस तरह से होता है? वर्टिकल होता है, ओनली सिंगल ट्रैक इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन, बट एट द मिड वे ऑफ द रोड वेयर द लोड्स एंड एम्प्टीज आर मीट, ठीक है, लेकिन ऐसा मध्य रास्ता में जहाँ पे लोड्स और एम्प्टीज एक दूसरे को मीट करे वहाँ पे डबल ट्रैक मेंटेन करना पड़ता है और ए बाईपास इज इसेंशियल। ओके, नेक्स्ट का प्लान एंड सेक्शन ऑफ लेआउट ऑफ ग्रेविटी हॉलेज, इस तरह से ग्रेविटी हॉलेज केवल और केवल, इसमें कोई पावर सोर्स का जरूरत नहीं होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब आता है फीस फीस प्लेटेड जॉइंट्स, फीस प्लेटेड जॉइंट्स, ठीक है, फीस प्लेटेड जॉइंट्स विथ लॉक वॉशर्स एंड बोल्ट्स एंड जॉइंट्स बींग स्क्वायर क्रॉस द स्क्वायर अक्रॉस द ट्रैक्स एक्सेप्ट द कर्व्स वेयर दे शुड बी स्टैगर्ड। ओके, स्लीपर्स ऑफ एडिक्वेट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन प्रिफरेबली विद द स्टील चैनल स्लीपर्स एट इंटरवल टू गिव रिग्रिटी एंड मेंटेन द गॉज वेल रैम्ड ब्लास्ट टू प्रोवाइड ए कुशन्ड बियरिंग सर्फेस। ओके, अ गुड ड्रेनेज टू मेंटेन द ट्रैक इन ए ड्राई कंडीशन, केयरफुल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इसका केयरफुल होना चाहिए, किसका? ग्रेविटी हॉलेज का। केयरफुल अलाइनमेंट इफ नेसेसरी विद अ डायल ऑफ थियोडोलाइट बिफोर द एंड आफ्टर बैलेस्टिंग, केयरफुली केयरफुल ग्रेडियंट बाय ग्रेड बोर्ड एंड मैसन स्प्रिट लेवल फॉर लोकोमोटिव ट्रैक ऑनली। ओके, अब आता है क्या, एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट फॉर लोकोमोटिव हॉलेज, अब इसमें लोकोमोटिव हॉलेज के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट फॉर लोकोमोटिव हॉलेज द चॉइस शुड नॉर्मली लाई विद इन 18 kgf पर मीटर लेंथ फॉर लोको अप टू 10 टन्स एंड 28 kg पर मीटर लेंथ फॉर ले लार्जर साइज, ठीक है। मतलब लोकोमोटिव हॉलेज के लिए हमारा क्या किस तरह से हमारा जरूरत होता है, ठीक है, तो 18 kgf पर मीटर लेंथ हमारा जरूरत होता है 10 टन्स लोगों के लिए, ठीक है, अप टू 10 टन्स लोगों के लिए, लेकिन यदि हमारा और उससे ज़्यादा लोकोमोटिव हॉलेज यदि उससे भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमारा 20 kgf चाहिए, ठीक है। मैनी रूल्स हैव बीन सजेस्टेड दैट द मिनिमम वेट ऑफ द रेल दैट इज परमिशेबल टू यूज, बट वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्टेट्स दैट प्रोवाइडेड द डिसेंट बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट स्लीपर्स डज नॉट एक्सीड 0.85, ठीक है, बोल रहा है क्या, दो स्लीपर्स के बीच में डिस्टेंस 0.85 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट स्लीपर्स, ठीक है, दो स्लीपर्स के बीच में, प्रोवाइडेड दैट मैंने हमारा लोकोमोटिव हॉलेज के बीच में जो दो डिसेंट स्लीपर्स जो रहता है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 0.85 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 0.85 मीटर स्लीपर्स के बीच में, ठीक है। द मिनिमम वेट ऑफ द रेल शुड बी 5 kgf पर मीटर, ठीक है, कम से कम जो वेट होना चाहिए वो 5 kgf पर मीटर होना चाहिए, प्लस 2.5 kgf फॉर ईच टर्न ऑन ए पेयर ऑफ व्हील्स। ओके, अब बोल रहा है फोर टॉप्स ऑफ 1.1 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी द रेल सेक्शन शुड बी मिनिमम वेट ऑफ 16 kgf पर मीटर लेंथ एंड ट्रैक गॉज ऑफ टॉप्स 1.1 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी जनरली 0.6 मीटर बट द ट्रैक गॉज, ठीक है, बोल रहा है ट्रैक गॉज ऑफ टॉप्स, ट्रैक गॉज ऑफ टॉप्स, ट्रैक गॉज फोर टॉप्स फोर ट्रैक गॉज फोर टॉप्स ऑफ 0.1 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी जनरली 0.6 मीटर, मैंने दो ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होता है ट्रैक गॉज 0.6 मीटर होता है, बट फॉर लोकोमोटिव हॉलेज इट इज़ यूजली, लेकिन लोकोमोटिव हॉलेज के लिए 1.1 मीटर से 1.2 मीटर इन आवर माइंस हमारे माइंस में यूज होता है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या स्लीपर्स एंड बैलेस्ट, स्लीपर्स एंड बैलेस्ट क्या यूज होता है, द पर्पस
द पर्पस ऑफ दिस इज टू डिस्ट्रीब्यूट द इंटेंस बियरिंग प्रेशर ऑफ द व्हील्स ऑन द रेल्स ओवर ए सफिशियंट एरिया ऑफ फ्लोर सो दैट द सेफ बियरिंग प्रेशर ऑफ द फ्लोर इज नॉट एक्सीडेड. ठीक है, स्लीपर्स हम लोग दिया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट द इंटेंस बियरिंग प्रेशर. ठीक है, बियरिंग प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको स्लीपर देना जरूरत है. ठीक है, ऑफ द व्हील्स ऑन द रेल्स ओवर ए सफिशियंट एरिया ऑफ द फ्लोर सो दैट द सेफ बियरिंग प्रेशर ऑफ द फ्लोर इज नॉट एक्सीडेड. ठीक है, इफ द फ्लोर इज वेट, यदि फ्लोर हमारा वेट है, इट इज इसेंशियल टू मेक प्रोविजन फॉर ड्रेनिंग द फ्लोर ऑन विच द ट्रैक रेस्ट. ठीक है, तो हम लोग उसमें ड्रेनिंग करते हैं फ्लोर को. ठीक है, जिसमें ट्रैक रेस्ट करे. अब बोला है क्या, इन आवर माइंड स्लीपर्स आर यूजली ओ शॉल वुड. ठीक है, ओ शॉल वुड. ठीक है, मैंने साल वुड से हमारा बनाया जाता है. ठीक है, इन आवर माइंड स्लीपर्स आर यूजली मेड ओ शॉल वुड. ठीक है, द बैलेस्ट कंसिस्ट ऑफ ओ क्रस्ड रॉक लाइक सैंड स्टोन. ठीक है, तो बैलेस्ट ब्लास्ट क्या कंसिस्ट करता है, ओ क्रस्ड रॉक्स. ठीक है, क्रस्ड रॉक्स सैंड स्टोन स्किस्ट और एनी अदर हार्ड रॉक. ठीक है, सैंड स्टोन स्किस्ट और एनी अदर हार्ड रॉक कंटेन करता है कौन, बैलेस्ट. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 50 mm टू 60 mm साइज. लेकिन जो क्रस्ड रॉक है, ठीक है, उसका 50 mm से 60 mm साइज में होना चाहिए बैलेस्ट का. ठीक है, कर्व्स एंड सुपर एलिवेशन के बारे में जानकारी जरूरी है. ठीक है, द माइन कार्स कैन ऑपरेट इज डिपेंडेंट ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग लेंथ ऑफ रिगिड व्हील्स स्पेस रेल गॉज. ठीक है, रेल गॉज डायमीटर ऑफ व्हील्स. ठीक है, डायमीटर ऑफ व्हील्स स्लीपर एलिवेशन सुपर एलिवेशन एंड स्पीड. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसका, द माइन कार्स कैन ऑपरेट डिपेंड ऑन माइन कार्स उसी में ऑपरेट कर सकता है जिसमें इस सब फैक्टर इंक्लूड है. क्या इंक्लूड, रिगिड व्हील्स बेस रेल गॉज डायमीटर ऑफ व्हील्स सुपर एलिवेशन एंड स्पीड इस सब पे डिपेंड करता है. ठीक है, कर्व रेडियस क्या होता है, इट इज सजेस्टेड दैट फॉर स्पीड अप टू 13 km/h द रेडियस ऑफ एनी कर्व इन ए मैन हॉलेज रोड शुड बी नॉट लेस देन 20 times द लॉन्गर रिगिड व्हील्स बेस ऑफ एनी व्हील्स इन अ ट्रेन. ठीक है, बोरा है कि यह सजेस्ट किया जाता है कि स्पीड हमारा कितना होता है, 13 km/h होना चाहिए. द रेडियस ऑफ एनी कर्व इन ए मैन हॉलेज रोड शुड बी नॉट लेस देन. ठीक है, रेडियस हमारा क्या होना चाहिए, रेडियस मैन हॉलेज का, द रेडियस ऑफ एनी कर्व, रेडियस ऑफ एनी कर्व इन मैन हॉलेज रोड शुड बी नॉट लेस देन 20 times द लॉन्गर रिगिड. ठीक है, मतलब 20 गुना लॉन्गर रिगिड व्हील बेस से, मैंने जहाँ पे रिगिड व्हील बेस है उसके 20 गुना से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट द रेडियस ऑफ एनी कर्व, ठीक है, इट इज सजेस्टेड फॉर स्पीड अप टू 30 km/h. ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट फॉर स्पीड अप टू 30 km/h द रेडियस ऑफ एनी कर्व इन ए मैन हॉलेज रोड, रेडियस ऑफ एनी कर्व मैंने रेडियस जो है कि किसी कर्व का रेडियस जो है कि ज़्यादा शुड नॉट बी लेस, कम नहीं होना चाहिए, 20 times द लॉन्गर रिगिड व्हील्स बेस ऑफ एनी व्हीकल्स इन द ट्रेन. ठीक है, किसी व्हील्स के रिगिड सपोर्ट के रेडियस जहाँ पे वो घूम सकता है उसके 20 गुना से मैंने कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 20 times द लॉन्गर रिगिड व्हील्स बेस चक्का के व्हील बेस के ऑफ एनी व्हीकल्स, मैंने जहाँ पे चक्का चलता है उसके बेस में जो रिगिडिटी होता है और रेडियस कर्वेचर जो है 20 गुना से कम नहीं होना चाहिए. एंड फॉर स्पीड अप टू 30 km/h द रेडियस शुड बी ग्रेटर देन दिस, और यदि स्पीड यदि 13 km/h है तो रेडियस हमारा और भी स्पीड मैंने उससे भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए. ठीक है, जिम क्रॉ इज ए हैंडी डिवाइस फॉर बेंडिंग द रेल्स टू सुटेबल कर्वेचर इन स्टेजेस. ठीक है, तो जिम क्रॉ क्या है, जिम क्रॉ इज ए हैंडी डिवाइस फॉर बेंडिंग द रेल्स टू सुटेबल कर्वेचर इन स्टेज. ओके, और सुपर एलिवेशन क्या है, ठीक है, देखते हैं क्या, ऑन ए कर्व सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्रिएट्स अ टेंडेंसी टू फॉर द ट्रेन टू लीव द ट्रैक. ठीक है, किसी भी कर्व में ये एक्शन होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्रिएट्स अ टेंडेंसी ऑफ फॉर द ट्रेन टू लीव द ट्रैक एंड प्रोसीड अलोंग ए कर्व कोर्स टेंजेंशियल टू द कर्व, दिस थ्रो द व्हील्स फ्लैंज हार्ड अगेंस्ट द इनर एज ऑफ द आउटर रेल्स कॉजिंग एक्सेसिव वियर ऑन द व्हील्स एंड रेल्स. टू काउंटर एक्ट दिस द आउटर रेल शुड बी रेस्ड अबव द इनर वन, इट शुड बी सुपर एलिवेटेड, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल रॉप सॉलिज. ठीक है, सुपर एलिवेशन सब रॉप सॉलिज के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन विद द मैन एंड टेल रॉप सिस्टम, मैन एंड टेल रॉप सिस्टम द फोर्सेज इन टू रॉप्स इन द टू रॉप्स पुलिंग इन द अपोजिट डिरेक्शन टेंड टू पुल द ट्रेन इन टू द इनर रेल. ठीक है, एलमोस्ट मैंने मैन एंड टेल रॉप में सुपर एलिवेशन अकाउंट होता है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन और कैंट रिक्वायर्ड इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व. ठीक है, सुपर एलिवेशन किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द कर्व. ठीक है,
रेडियस ऑफ द कर्व, सुपर एलिवेशन डिपेंड रिक्वायर्ड इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व, द स्पीड एट विच द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एंड गोज ऑफ द ट्रैक, ठीक है। और किसके किसके बीच में, स्पीड ऑफ द, स्पीड एट विच द ट्रेन इज ट्रेवलिंग, और ट्रेन जो है कि किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और गोज ऑफ द ट्रैक, और ट्रैक गोज पर भी डिपेंड करता है क्या, सुपर एलिवेशन, ठीक है। सुपर एलिवेशन रेडियस ऑफ द कर्व डिपेंड करता है गोज ऑफ द ट्रैक और स्पीड ऑफ द ट्रेन, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और चेक रेल शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द इनसाइड रेल ऑफ द कर्व फॉर इट्स फुल लेंथ, और चेक रेल जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग द इनसाइड रेल ऑफ द कर्व फॉर इट्स फुल लेंथ, ठीक है। चेक रेल हम लोग प्रोवाइड करते हैं कहाँ, अलॉन्ग द इनसाइड रेल ऑफ द कर्व फॉर इट्स फुल लेंथ, ओके। नेक्स्ट सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या है, सुपर एलिवेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला सुपर एलिवेशन ए बी स्क्वायर बाय जी आर, ओके। सुपर एलिवेशन क्या फॉर्मूला होता है, ए वी स्क्वायर बाय जी आर, ए इज द गॉज ऑफ ट्रैक इन मीटर, ठीक है। ट्रैक गॉज कितना है मीटर में हम लोग देखेंगे, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर बाय जी आर, ओके। ए गॉज ऑफ द ट्रैक इन मीटर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकेंड, जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर, ओके। सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर बाय जी आर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, हमारा रैंप क्या होता है, ठीक है। तो द रैंप इज इंस्टॉल्ड, ठीक है, ग्रैंडी कार के लिए हमारा रैंप दिया जाता है, ग्रैंडी कार फॉर ऑटोमेटिक अनलोडिंग, ऑटोमेटिक अनलोड कर जाता है रैंप से, ठीक है। द रैंप इज इंस्टॉल्ड ऑन द बंकर, रैंप को हम लोग बंकर में इंस्टॉल करते हैं, व्हेन द कार इज क्लियर ऑफ द रैंप, व्हेन द कार इज क्लियर ऑफ द रैंप, द साइड डोर क्लोज ड्यू टू द वेट एंड आर होल्ड इन पोजिशन बाय कैचेस, दे आर फॉर प्रिवेंटिंग एनी एक्सीडेंटल ऑफ ओपनिंग ड्यूरिंग ट्रेवल ऑफ द लोडेड कार, ठीक है। तो लोडेड कार को ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट को ड्यूरिंग ट्रेवल ऑफ ए लोडेड कार, ठीक है। सिंपल याद रखना है कि रैम क्या करता है, रैम देयर बाय प्रिवेंटिंग एनी एक्सीडेंट, मैंने कैचेज क्या करता है, कैच करता है किसी तरह का, प्रिवेंटिंग एनी एक्सीडेंट, ठीक है, प्रिवेंटिंग एनी एक्सीडेंट ओपनिंग ड्यूरिंग ट्रेवल ऑफ ए लोडेड कार, ड्यूरिंग ट्रेवल ऑफ ए लोडेड कार, लोडेड कार के ट्रेवल के दौरान किसी प्रकार के एक्सीडेंट को कैच करने के लिए हम लोग रैंप दिया जाता है, ठीक है। अब हो रहा है मंकी और बैक कैच, ठीक है। मंकी और बैक कैच क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ ए पाइवोटेड पीस ऑफ स्टील रेल प्लेस्ड बिटवीन द ट्रैक्स रेल सो एज टू कैच द एक्शन ऑफ ए बैक रन बैकवर्ड रनवे, ठीक है। तो सेफ्टी कैच, सेफ्टी बैक कैच या तो मंकी कैच हम बोल सकते हैं इसको, मंकी कैच, मंकी या तो बैक कैच, ठीक है। तो मंकी या बैक कैच क्या है, एक पाइवोटेड पीस ऑफ स्टील रेल है, ठीक है, स्टील रेल का एक पाइवोटेड पीस है जो प्लेस किया जाता है ट्रैक, दो ट्रैक्स के बीच में, सो हैज टू कैच द एक्सल, सो हैज टू कैच द एक्सल ऑफ ए बैकवर्ड रनवे को अवॉइड करने के लिए उसके एक्सल को कैच करता है क्या, माइन कार का या तो टब का, ठीक है। अ वुडन ब्लॉक पाइवोटेड एट द वन एंड एंड प्रेस्ड ओवर द रेल बाय स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग, ठीक है। एक वुडन ब्लॉक जो है इसमें पाइवोटेड किया जाता है, ठीक है। वुडन ब्लॉक इज पाइवोटेड एट वन एंड ऑफ द प्रेस्ड ओवर द रेल सो एज By a strong spring, it is used for endless haulage. तो monkey और back catch किसमें provide किया जाता है, endless haulage में for the tubs moving up gradient. और जो भी जब भी कभी endless haulage में दिया जाता है, जब भी कभी track जो है कि moving करता है up the gradient, okay. Next हमारा point आता है a stop block, ठीक है। तो stop block है क्या चीज़, this consists of a wooden beam. स्टॉप ब्लॉक एक वुडन बीम होता है और ब्लॉक होता है जो कि लाइंग करता है अक्रॉस द रेल, रेल के अगल बगल मैंने लाई करता है अक्रॉस द रेल, पाइवोटेड एट वन एंड, और एक एंड पे जो है कि पाइवोटेड किया जाता है मैंने उसको गाड़ दिया जाता है और वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है। एक एंड को पाइवोट किया जाता है मैंने उसको क्या बोलते हैं कस दिया जाता है एक पॉइंट को, एक एंड को एट वन एंड एंड हेल्ड अगेंस्ट द पाइवोटेड साइड ब्लॉक एट द अदर एंड, इट इज़ गुड प्लान टू हैव टू स्टॉप ब्लॉक सम डिस्टेंस अपार्ट, मैंने बहुत अच्छा होता है यदि हम दो स्टॉप ब्लॉक को एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस से हम लोग रखेंगे, वन द वन फॉर्मिंग रिजर्व फॉर द अदर, एक यदि दूसरे के लिए रिजर्व का काम करेगा, ठीक है। बैक स्टे, बैक स्टे क्या होता है, दिस इज यूज बिहाइंड एन असेंडिंग सेट ऑफ टब्स, ठीक है, बिहाइंड एन असेंडिंग सेट ऑफ टब्स ऑन ए डायरेक्ट हॉलेज, ठीक है। बैक स्टे हम लोग डायरेक्ट हॉलेज में देते हैं और ऑन एन एंडलेस हॉलेज, तो एंडलेस हॉलेज में भी हम लोग देते हैं बैक स्टे और डायरेक्ट हॉलेज में भी दिया जाता है। इट इज अटैच टू द टब एक्सल, ये टब के एक्सल के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। इट इज अटैच टू द टब एक्सल एंड इन द इवेंट ऑफ रनवे ऑफ द टब्स, ठीक है, ये अटैच किया जाता है टब के एक्सल के साथ
इन द इवेंट ऑफ रनवे ऑफ द टॉप्स, ठीक है, रनवे रनवे के इन द इवेंट ऑफ रनवे ऑफ द टॉप्स द पॉइंटेड एंड ऑफ द बैक स्टे स्टॉप्स अगेंस्ट स्लीपर्स, ठीक है, स्लीपर्स को रोक देता है, बैक स्टे स्टॉप्स अगेंस्ट द स्लीपर्स ऑफ द ट्रैक्स, ठीक है, स्लीपर्स ऑफ द ट्रैक एंड द ट्रेवल ऑफ द टॉप्स, ठीक है, और ट्रेन्स ऑफ द टॉप इज अरेस्टेड। और इस प्रकार से ये क्या करता है कि स्टॉप करता है स्लीपर को ट्रैक पे और ट्रेवल को रोक देता है, ठीक है, और इसको इस तरह से टॉप जो है अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ड्रॉप वार वीक क्या है, दिस इज इंटेंडेड फॉर अरेस्टिंग फॉरवर्ड रनवे बींग प्लेस्ड बिलो द ब्रो एंड द एन एन इंक्लाइन एंड ऑल्सो नियर द बॉटम एंड बिलो, ओके, इंटरमीडिएट लेवल्स में। तो हमारा ये चूँकि ड्रॉप वार वीक जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर में होता है, एक रेल ट्रैक होता है, हिंज से जुड़ा होता है, वार वीक जो है कि आगे पीछे होता है, रिलीज कैच है, रिलीज कैच है, हिंज्ड बार है, ठीक है, सबका अलग अलग नाम है, फिर रॉप है वहाँ पे, और रॉप जो है कि एक लीवर से जुड़ा हुआ होता है, जैसे ही लीवर खींचते हैं तो सारा ये रेल ट्रैक जो है कि अपने आप अकाउंट में आ जाता है, एक्शन पे आ जाता है, ठीक है। तो ड्रॉप वार वीक इस तरह से वर्क करता है, ठीक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर गेटिंग प्रॉपर बेनिफिट इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, कीप कंटिन्यू।